डॉक्टर नवल, कहां से ये तस्वीर दिख गई भाई आपको कि नीतीश कुमार स्टेप डाउन करेंगे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? नहीं, अभी आपने देखा कि दोनों पार्टी के जो वीर प्रवक्ता है उनके तर्क भी आपने सुने। पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का प्रवक्ता, पार्टी का मंत्री, पार्टी कोटे से मंत्री का जो बयान है उसको नीरज जी निजी बयान बता रहे हैं, तो इससे तो समझ में आती है ना कि कितना समन्वय है दोनों पार्टी में। रही बात दोनों में फर्क, अब फर्क तो स्पष्ट दिखता है। एक पार्टी कहती है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, दूसरी पार्टी सदन के पटल पे संसद में कहती है कि नहीं होनी चाहिए। अब ये अंतर नीरज जी को नहीं दिखता है और ये अंतर पूरे देश को नहीं दिखेगा, इसमें दोनों में फर्क है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि 18 साल बाद भाजपा कर रही है कि कुछ नहीं हुआ, तो भाजपा को तो अपने उसने कुछ नहीं किया, अलग होने दिया, ये भी बात सत्य है ना, कुछ नहीं हुआ, ये सही बात है। अपराधियों का संरक्षक है ये सरकार, शराब घोटालेबाजों का संरक्षक है ये सरकार। अभी छपरा में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप, कौन सा ऐसा दिन है, किस तरह का अपराध बिहार में नहीं हो रहा है? ये जनवरी से पहले ये सूरत डॉक्टर नवल, नीतीश कुमार आपके साथ थे जनवरी से पहले? नीतीश कुमार कहाँ गए, कहाँ आए, कब आए, कब गए, हमने ये सब भी बता दिया है, उसका वीडियो भी जारी कर दिया है, वो बात तो एक अलग है। लेकिन सही बात क्या है, जो बात दोनों पार्टियां अभी कर रही हैं उसको समझने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे से पहले जब आए थे तब भी पूरे देश के विमर्श में था कि दोनों पार्टी अलायंस ऑफ अपोजिट है, सबने माना है, आज भी मानते हैं। आपके साथ तो अपोजिट नहीं है ना डॉक्टर नवल, नीतीश कुमार का संबंध आपके साथ ऑपोजिट नहीं है, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैच करता है। देखिए आपको बताते हैं, हमारे पास आने से पहले नीतीश जी ने भाजपा के साथ सर्वसम्मति से जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन हुआ कब, जब तेजस्वी यादव साथ आए, सक्रिय रूप से उस बात को रखे और उसके बाद हुआ जातीय जनगणना बिहार में। तो एक सेकेंड, तो अगर फिर कह दे नीतीश कुमार कि भाई दो बार उनके साथ चले गए, तीन बार कर लीजिए, अब तो तीन बार उनके साथ चले गए, गलती हो गई, अब हम इधर आ गए, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, तो स्वागत है ना नीतीश कुमार का? देखिए नीतीश कुमार जी क्या किए और क्या करेंगे वही बताएंगे। नहीं, स्वागत है कि नहीं आरजेडी में? नहीं, हमारा काम ये, उन्होंने जब भी आए, पिछले बार भी आए तो उन्होंने माफी मांग कर आया था, हमें बिहार का विकास करना है, और बिहार में जो विकास रुकी हुई थी, 5 लाख नौकरियां दी गई, 4 लाख को राजकर्मी का दर्जा दिया गया, 3 लाख को प्रक्रियाधीन किया गया, ये नीरज जी तो मुस्कुराकर काम चला लेते हैं। नहीं, आप भी मुस्कुराइए डॉक्टर नवल, और ये बताइए ना, सुनिए डॉक्टर नवल, घुमाइए मत, गरिमा, इनको बोलिए नीतीश कुमार पे हमला थोड़ा कम करे, पता नहीं कल को क्या हो, तो थोड़ा हल्का ही रखिए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं भाई चाचा की इज्जत बरकरार है, उनका सम्मान बरकरार है, उनके लिए दरवाजे भी खुले हैं क्या? देखिए हम लोगों ने कभी भी किसी नेता का अपमान नहीं किया, किसी का अपमान का सवाल ही नहीं है, हमारी राजनीति तो है वो जनता के विकास पर है और उस पर हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारे नेता तेजस्वी यादव का स्टैंड क्लियर है। हम किसी के साथ रहते हैं तो उनका पैर पकड़ते हैं, ऐसी प्रवृत्ति हमारे नेताओं में नहीं है, हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, वो वाला प्रवृत्ति हमारे में नहीं है, हम रहते हैं तो हमने काम कराया है। लेकिन डॉक्टर नवल भाई एक सेकंड, डॉक्टर नवल, अगर ये खुशबू आपको आ गई कि वो मुख्यमंत्री को स्टेप डाउन कराकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आप पत्ते खोलने को राजी नहीं, लेकिन नीतीश और नायडू, AK वाजपेयी,